टेस्टी टेस्टी। और ये रही कचौरी गाइस, मस्त। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरी आलू की। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया 250 ग्राम, और 60 ग्राम मैंने लिया है तेल, और लिया है मैंने अजवाइन और थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये हमारा आटा है इसमें हमने डालना है अजवाइन। तो ये हमने अजवाइन ले लिया, तो इतना अजवाइन ले लिया हमने, अब इसको क्रश करना। तो ये हमने अजवाइन क्रश कर लिया, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो अजवाइन डालने से जो कचौरी का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम डालने वाले हैं ऑयल। तो गाइस इसको पहले ऑयल के साथ ही हमें गूंथना है। तो फिर ये हमने डाल दिया ऑयल, अब इसको हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ये आपके ऊपर है कि आप इसमें नमक डालें। और इसको हम अच्छे से सान लेते हैं। तो गाइस आप ध्यान रखें, सबसे पहली टिप, जब आपको ये कचौरी का जो आटा आप सानना है उसके लिए आपको, जैसे आपने 250 ग्राम मैदा लिया है तो 60 ग्राम आपने ऑयल लेना है, इस हिसाब का रेशियो रखना है आपने, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जब आपका ये जो आटा है गूंथ जाएगा मैदे वाला, तो इसमें एक मुट्ठी बननी चाहिए। तो थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे, तो एक साथ तेल ना डालें, जरूरत के हिसाब से तेल डालें। अब हमें क्या करना है, आटे जो आटा है इसको हाथ में लेना और मुट्ठी बनानी है इसकी। अगर मुट्ठी बनाने के बाद ये टूटता नहीं है तो इसका मतलब इसका मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये अब इसमें हम इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें पानी। ये देखिए ये किया और बन गया, तो ये इसकी पहचान होती है कि बहुत अच्छे से मोहन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, ठीक है, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हमें दूसरा टिप ये है कि जब हम इसे तेल डालने के बाद पानी डालते हैं तो आपने इस आटे को सॉफ्ट गूंथना है, जैसे आप रोटी का आटा गूंथते हो ना उससे भी सॉफ्ट मुलायम आटा गूंथना है आपने। हार्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूड़ी का हार्ड खूंटते हो तो पूड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बहुत सॉफ्ट आटा। कारी कारी बदरा गहल के हाँ, वो है सोना बुद्धू ना समझे रे प्यार। तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रही है वो मेरी बेटी आराध्या, मेरी सोना डार्लिंग कर रही है। कचौरी अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो कचौरी लेके भी जाऊंगी स्कूल। है इतना थोड़ा ना बनाने वाली हूँ मैं, अरे ये तो अभी खत्म हो जाएगी। अरे मम्मा पर आप कम लोगों को देना को थोड़ी थोड़ी, ठीक है जो बचेंगे वो स्कूल लेके चली जाऊंगी। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं फूली फूली कचौरियाँ। क्या बनाने वाले हैं? फूली फूली कचौरियाँ, 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 कचौरियाँ। वाह इसका तो कितना व्हाइट व्हाइट हो गया है, जितना तो आटा भी नहीं होता, मतलब जितना रोटी का आटा नहीं होता उससे ज्यादा तो ये हो गया वाइट। देखिए इन्हें देखिए, अभी तक इनका हुआ ही नहीं है। तो टाइम लगता है बचुआ,
यहाँ पे देखो इसको बचा रखा है, मतलब पैसा बचा रहे हो आप, पैसा बचा रहे हो ना, तभी हाँ तो कम लिया है। मैं सोना का पैसा बचा रही हूँ भाई, सोना की पढ़ाई में लगाना है ना, तो बचाना पड़ेगा ना। और इसको भी बचाए पैसे नहीं हाँ लगाने पड़ेंगे, ले लेनी तो गाइस आप पड़ेगी। देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो भीग गया है। अब देखो मैं इसको दिखाती हूँ, देखो देखो कितना सॉफ्ट है, वो कितना देखो सॉफ्ट है दिखाना। अरे ये देखो। इतना सॉफ्ट ये होना चाहिए। हाँ ये तो देखो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। पूरा तो अब गुफा बन क्या गई करेंगे, इसको ना हम ढाक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। रुई की तरह, तब 20 मिनट तक हम रुई इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे आलू की, ठीक आलू है? की इसको हम ढाक के जो रखेंगे। अच्छा तो दोस्तों अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़े से आलू लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इतने आलू मैंने ले लिए हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको रखेंगे कुकर के अंदर। तो ये मैंने कुकर के अंदर रख दिए हैं, अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी, और बॉईल करने के बाद इसको मैं फ्राई करना है। तो चलिए बॉईल कर लेते हैं। इसका जो हम स्टफिंग बना रहे हैं आलू की, और अगर वो बच जाए ना तो उसका हम तो पराठा बना के भी खा सकते हैं, तो वो और गाइस अब हम अच्छा इसको ढक लगेगा। के रख रहे हैं। फ्रेंड्स हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बड़े साइज के बॉयल्ड आलू। इसको हम मैश कर देंगे मैशर की सहायता से। और मैश करने के बाद ही आपने इसको कढ़ाई में डालना है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, तो मैंने हरी मिर्च डाल दी है। आप खड़ी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसमें अदरक नहीं डाली है, तो आप चाहो तो आप अदरक भी क्रश करके डाल सकते हो। फ्लेम को लो रखो। और इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें जीरा पाउडर। तो फटाफट से जीरा पाउडर ले लेते हैं, एक आधा चम्मच लिया है मैंने जीरा पाउडर, तो वो डाल देते हैं। अब मैं इसमें लेने वाली हूँ 1 चम्मच धनिया, तो मैंने ये धनिया भी ले लिया है। तो गाइस इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें जो हमने आलू लिए थे मैश करने के बाद वो, पर उससे पहले हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ले ली है, वो डाल दिया है। इसके बाद हम आलू डालेंगे, और आलू डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो उसका गाइस आपको आलू को बहुत अच्छे से फ्राई ज़रूर कर रहा है, नहीं तो अंदर से जो उसमें जो फ्लेवर है वो उसके अंदर नहीं जाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा आलू का, और कचौरी के अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा, इसलिए तो आप ज़रूर डालें इसमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी आमचूर पाउडर। तो ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर, या आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद डालेंगे हम नमक, नमक का फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये सारी सारी की चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करनी है आलू के अंदर, और थोड़ा सा और भी इसको फ्राई कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो मसाला आलू का रेडी हो चुका है, अब इसको हम कचौरी बनाएंगे। यहाँ आराध्या भी आ चुकी है, खेल रही है। क्या दिखा रहे हो बताओ? बैंडेड। बैंडेड बनाइए, दिखाओ। ओ वाह क्या मस्त बनाई है सोना। ओहो वाह बहुत सुंदर है, वेरी प्रिटी। सो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आ गई है कचौरी बनाने की। तो आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा हमने मैश कर देना है, थोड़ा सा हमने हल्का सा भूनना है, सिर्फ 1 सेकंड, 1-2 मिनट के, 1 मिनट के लिए आप इसको भून देंगे। थोड़ा सा बस हल्का सा करना, ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये एक समान हो जाए। तो ये हो चुका है, अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो आपको क्या करना है, इसको पहले 2 पार्ट में बांटना है। यहाँ रख दिया एक पार्ट, दूसरा पार्ट लिया, इसको हमें ऐसे राउंड अप करना है। अब इसमें से हमें कचौरियाँ काटनी है ऐसे। तो ऐसे करके हम सारी कचौरियाँ काट लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो लोइयाँ मैंने काट दी हैं, अब इनको हम भरने की बारी है, तब तो उसको भरेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक लोई उठानी है और इसको इस तरीके से करना है। इस तरीके से करके इसको फिर हम राउंड कर देंगे। मतलब कैसे? गोल गोल। अच्छा गोल गोल, वो मिट्टी चोखा की तरह। हाँ, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा ना, तो मिट्टी चोखा बोला है। अब क्या करना है इसे हमें, जैसे हम रोटी का करते हैं ना, जैसे हम मोमोज बनाते वैसे का, उस तरीके से करना है। जैसे हम मोमोज ऊपर से पतला पतला रहेगा, नीचे से चाहे मोटा रखे, चाहे पतला या चाहे मोटा। अब हमें इसे पूरे कटोरी की तरह बना देना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम आलू। तो ये हमने स्टफिंग ले ली आलू की, बहुत भर के ले ली, और इसको हम इसके अंदर भर देंगे ऐसे, और इसको हम इस तरीके से भरेंगे मोमोज की तरह फिल करना है ना। इस तरीके से इसको हम बंद करेंगे और इसको इसका मुंह ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे, मोमोज की तरह फिर काट देंगे और ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको फिर हम राउंड कर देंगे, फिर और फिर इसको हम दबा देंगे ऐसे करके, हमें सारे बनाने। तो आप सारे बना लो, ठीक है? ठीक है, फिर हम सारे बनाते, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आराध्या भी आ गई है बनाने के लिए, देखो गाइस, ये देखो। और यहाँ पे देखो हमारी इतनी बिल चुकी है, यहाँ मम्मी भी आ गई है हेल्प के लिए, सारे तो बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमने कचौरी हमारी सारी रेडी हो चुकी है, अब इनको हम फैलाएंगे, थोड़ा सा हाथ से दबा दबा के हमें फैलाना है। और जहाँ से हमने फोल्ड किया है, जो हमारा जो ये वाला हिस्सा है, जो हमारा ये फोल्ड किया है, इसे हम नीचे की तरफ से डालकर फिर कढ़ाई में डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, जिस तरीके से फोल्ड करें उसको हमें नीचे की तरफ करके फिर तेल में डालना है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ मम्मी सारे बना दे रही हैं, इसके बाद हम इसको तेल में तलेंगे। तो चलिए कढ़ाई रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई भी रेडी गरम हो चुकी है अच्छे से, चेक कर लीजिए ऐसे करके, और हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हमारा तेल है वो भी रेडी हो चुका है, गरम हो चुका है, तेल डाल दिया हमने। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा तेल है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो गरम हो चुका है। और अब क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कचौरी डालने वाले हो आपने फ्लेम को कर देना है लो, उसके बाद आपने चेक करना है कि अच्छे से गरम स्टीम, हल्की सी गरम सी भाप सी आएगी आपके हाथ पे। अगर ये तेल हो चुका है, आप थोड़ा सा कुछ भी डालकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये डाला हमने, अगर इसमें छोटे छोटे से बबल्स आते हैं, आप देख रहे हो छोटे छोटे से बबल्स आते हैं, तो इसका मतलब ये तेल रेडी हो चुका है कचौरी के लिए। छोटे छोटे बबल्स आने चाहिए, आप देख सकते हो, पास से दिखाते, देखो बहुत छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं इसमें। तो इस स्टेज पे आपको डालना है कचौरी। तो यहाँ पे आराध्या लाई है छोटी सी कचौरी टेस्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए। हाँ। तो इसे डालते हैं, ये हमने डाल दिया, ये बबल आ रहे हैं। देखिए कचौरी के आसपास के एरिया में हल्का सा बबल्स आने लग गया है, देखो। तो इसी स्टेज पे आपको डालना है कचौरी। हाँ, ये देखो कचौरी रेडी हो चुकी है। तो आप देख लीजिए, देखो ये वाला पीस मैं उठा रही हूँ ऊपर से, देखो यहाँ से हमने बंद किया है, तो ये वाला हिस्सा हम डालेंगे नीचे की तरफ, इसको ऐसे नीचे की तरफ। सारी कचौरी डाल देंगे ऐसी, ये देखो हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो इसी स्टेज पे ही डालना है आपको, और सारी कचौरी एक साथ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारी कचौरी तो डाल दी है, मम्मी आ गई, यहाँ राध्या भी लेकर आ चुकी है कचौरियाँ। तो अभी से हम क्या करेंगे, पकने देंगे 5 मिनट के लिए, हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अगर हमने इसको छेड़ा तो ये फटने लग जाएगी, इसीलिए हमें
पूरे 5 मिनट का वेट करना है, 5 मिनट्स का वेट करना है और उसको पकने देना है, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारी कचौरी हो चुकी है, फूल चुकी है, इसे पलटेंगे। तो आप देख सकते हो क्या मस्त फूल चुकी हैं कचौरियाँ। ये देखो गाइज, ये देखो क्या मस्त फूली हुई है, देखो ये देखो। तो इसे अब हम पकने देंगे, मैंने पलट दिया है, इसे पकने देंगे और इसको सुनहरा तक हमें फ्राई करना है। सुनहरा जब हो जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे बाहर। फाइनली हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो ये रही हमारी आलू की सब्जी, टेस्टी टेस्टी, और ये रही कचौरी गाइस मस्त। और यहाँ तो आराधे देखो खाने भी लग गई है, वो देखो, दिखाओ उसको अंदर से, दिखाओ कैसा है। वाह मस्त है गाइस, देख लो ये देखो कितना मस्त अंदर से भरा हुआ, क्या मस्त लग रहा है। तो यहाँ मम्मी भी टेस्ट कर रही है, मम्मी मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, आइए टेस्ट करिए कचौरी, देखो कितनी फूली हुई है, देखो और ये देखो, ये देखो कितनी फूली हुई है, देखो मैं आपको इसको फोड़ के दिखाती हूँ, ये देखो मस्त। इसके अंदर आलू की सब्जी भरो और खाओ गाइस, ये बिल्कुल मास्टर पीस बना है। कचौरी और आलू की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेकर आनी है और कौन सी रेसिपी की तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कचौरी खाएं और रेसिपी शेयर करें। बाय बाय।